हेलो एवरीवन, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का, जैसा कि हमने सिलेबस आपसे डिस्कस किया था और सिलेबस में हमने आप लोगों को बताया था कि हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं, जिस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ बिजनेस पढ़ना है। व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय क्या होता है, तो व्यवसाय क्या होता है यह अगर इस पे हम बात करें तो ये सभी लोग, जब ये इस प्रश्न आता है कि व्यवसाय हमारा क्या है, तो सभी लोग इससे परिचित होते हैं कि हाँ व्यवसाय क्या होता है। लेकिन अगर हम इसको इसको अगर व्यवस्थित रूप में अगर इसको परिभाषित करने के लिए कहें तो कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि जिनके अभी जो भी अपनी प्रतिक्रिया होती है, अब जो भी उस जिस एंगल में उसको समझते हैं उस अनुसार व्यवसाय को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो भी व्यवसाय का अर्थ होता है उस रूप में हम देखें कि एक व्यवसाय क्या होता है। तो देखिए, अगर हम व्यवसाय के मीनिंग के संबंध में अगर हम बात करें कि व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है हमारा, तो अगर हम इस पे चर्चा करते हैं तो हम यह जानते हैं कि हम यह देखते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये सभी लोगों को आपको पता है कि जितने भी हमारे जितने भी व्यक्ति हैं उन प्रत्येक व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक व्यक्तियों को कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। ठीक है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को यह काम करना पड़ता है कि अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अब आगे हम बात करें तो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना परम आवश्यक है, यानी जो व्यक्ति हैं उनकी जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना परम आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है कि जो भी व्यक्ति है उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। क्योंकि अगर उसकी जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं अगर उस भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। यानी भौतिक आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं होती है व्यक्ति की तो वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई आर्थिक क्रिया निष्पादित करनी पड़ती है अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, तो कोई ना कोई आर्थिक क्रिया निष्पादित करनी पड़ती है। ठीक है, व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है। अगर इस रूप से हम देखें तो व्यवसाय भी क्या है, तो व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया ही है। ठीक है, इसके विभिन्न रूपों का हमारे दैनिक जीवन एवं आर्थिक प्रणाली से इतना सीधा और घनिष्ठ संबंध है कि संभवतः शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इससे परिचित न हो। अगर इसके संबंध में हम बात करें तो इसके जितने भी रूप हैं हमारे दैनिक जीवन में आर्थिक प्रणाली से इतना संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध है उन रूपों का कि जितने भी व्यक्ति हैं सब लोग करीब करीब इससे परिचित होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इससे परिचित न हो। ठीक है, अब व्यवसाय की संबंध में एक विद्वान है हिलर के शब्दों में, देखिए तो अगर इनके शब्दों में हम बात करें तो देखिए यह व्यवसाय के संबंध में क्या मत रखते हैं, क्या कह रहे हैं, तो मौसम की भांति, इन्होंने क्या कहा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारा मौसम है वह हमेशा हमारे साथ रहता है, जो भी मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं और वह परिवर्तन भी हमारे साथ ही होता रहता है। तो जैसे कह रहा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी क्या है, सदैव हमारे साथ रहता है। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है जो उसे व्यवसाय द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो भी व्यक्ति हैं वह सुबह जब उठता है तो उठने से लेकर के रात्रि तक जब तक वह सोता नहीं है उस समय तक उसको विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है
और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, तो वह उन वस्तुओं का उपभोग करता रहता है, ठीक है। और वह जिन वस्तुओं का उपभोग करता है वह वस्तुएं उसे कहाँ से मिलती हैं, तो अगर देखा जाए तो वह वस्तुएं उसे किससे मिलती हैं, तो वस्तुएं उसे व्यवसाय के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। जितनी भी वस्तुएं उसे मिलती हैं वह वस्तुएं व्यवसाय के द्वारा ही उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। यही नहीं, वह अनेक ऐसे व्यक्तियों से लेन देन करता है जो व्यवसाय में ही संलग्न है। इसके अतिरिक्त वह बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से लेन देन भी पूरे दिन करता रहता है जो क्या होते हैं, जो किसी न किसी व्यवसाय में लगे रहते हैं, उसमें संलग्न रहते हैं, तो उनसे लेन देन भी करता रहता है। एक तो उपभोग तो करता ही करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से क्या करता है, तो लेन देन भी करते रहता है, जो किसी न किसी व्यवसाय में जुड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यवसाय से संलग्न रहते हैं, उनसे लेन देन भी वह करते रहता है। अब आगे अगर हम चर्चा करें तो गली के नुक्कड़ अथवा बाजारों में स्थित पंसारी, बिसाती, हलवाई, बजाज, दर्जी, नाई, धोबी, मोची आदि अनेक ऐसे व्यापारी हैं जिनसे किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति का संपर्क रहता है। यानी हम देखते हैं तो ये मार्केट में या कहीं अगल बगल हम देखें चौराहे पे, नुक्कड़ पे, तो ये इस रूप में लोग मिलते हैं, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, ठीक है, दर्जी के रूप में, नाई के रूप में। अगर इन लोगों को हम देखें तो क्या है, यह भी क्या है, एक अपना व्यवसाय ही कर रहे हैं, यह भी एक क्या है, व्यापारी है, या किसी न किसी रूप में जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं, उनके संपर्क में ही रहते हैं, उनका संपर्क ही रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यवसाय इन्हीं तक सीमित है। अगर हम आगे बात करें कि प्रश्न ये एक उठता है कि क्या व्यापार यहीं तक सीमित है, तो नहीं, व्यवसाय क्या है, यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है। इसकी क्या है, व्यवसाय यहीं तक सीमित नहीं है, व्यवसाय की विचारधारा इससे अधिक भी विस्तृत है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो व्यवसाय क्या है, यहीं तक सीमित नहीं है, व्यवसाय की जो विचारधारा है वह क्या है, तो वह इससे अधिक है, इससे विस्तृत विचारधारा है। अगर हम व्यवसाय की ये हमारा तो इसकी विचारधारा की बात करें तो यहीं तक सीमित नहीं है, इससे विस्तृत विचारधारा भी इसकी है, इससे अधिक यह ब्रॉड है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसके अगर हम व्यवसाय के अगले टॉपिक उद्गम की बात करें हम, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें कि व्यवसाय का उद्गम हमारा कहाँ से हुआ है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो व्यवसाय का उद्गम मानव की इच्छाओं के उद्गम से संबंधित है। अगर हम व्यवसाय के ठीक है, अगर हम व्यवसाय के उद्गम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्यवसाय का उद्गम जो है वो मानव की इच्छाओं के उद्गम से संबंधित है। यानी जैसे मानव की इच्छाएं हमारी उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से जो ही मानव की इच्छा उत्पन्न होती है उसी तरह से व्यवसाय का उद्गम भी हमारा है। अगर हम इतिहास की बात करें, अगर इतिहास को अगर हम देखें, ठीक है, अगर इतिहास की बात करें या इतिहास को अगर हम देखें तो आदिकाल का मानव भी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्ट के लिए कुछ न कुछ कार्य करता था। जो आदिकाल का मानव था, अगर हम इतिहास को देखें तो आदिकाल के मानव को अगर हम देखें तो अभी क्या है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्ट के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता था, ठीक है। अगर कार्य की बात करें तो मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है उसने कुछ न कुछ अवश्य किया है। इतिहास के विषय में अगर हम सोचें, हम इतिहास को देखें तो मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है उसने कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। हाँ इतना अवश्य है कि समय एवं परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ उसके कार्य करने का ढंग भी परिवर्तन होता जा रहा है। ये हम जरूर देख सकते हैं कि मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया कुछ न कुछ अवश्य कार्य किया है। बस इतना है कि जो भी परिस्थिति है, जो भी समय है, समय के जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी परिस्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो भी उसके कार्य करने का ढंग है, उस कार्य करने के ढंग में क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, जैसे परिवर्तन होते जा रहा है समय परिस्थिति में, उसी तरह से उसके काम करने के ढंग में भी परिवर्तन होते जा रहा है। अगर इसके संबंध में अगर हम एक उदाहरण ले लें, अगर उदाहरण हम देखें तो आखेट युग में क्या करता था मानव, तो आखेट युग में जानवरों का शिकार ही उसका मुख्य कार्य था।
अगर आखेट युग पे हम जाएं तो उस समय का जो मानव था तो वो जानवरों का जो शिकार था वही उसका मुख्य काम था, सिर्फ वह जानवरों का शिकार करता था और अपने जीविका को चलाता था, अपने पेट को पालता था, वही उसका मुख्य काम था। ठीक है, मांस के लिए, मांस पाने के लिए वह शिकार करता था और ये इस एक काम के द्वारा वह अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। ठीक है, तो वह शिकार करता था मांस पाने के लिए और उस मांस से अपनी क्या करता था, तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, अपनी भोजन की व्यवस्था करता था। ठीक है, तो इसके लिए वह क्या करता था, उसमें महुआ शिकार करता था। उसके बाद अगर देखें तो कुछ उसमें परिवर्तन आए और परिवर्तन के बाद क्या हुआ है कि चारगाह के युग में वह अपने जानवरों को लेकर के सुंदर चारगाह की खोज में इधर उधर घूमता था। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने मानव ने आखेट युग के बाद आगे बढ़ा तो जो पशुपालन शुरू कर दिया और अपने जानवरों को लेकर के सुंदर सुंदर चारगाहों की खोज में इधर उधर घूमता रहता था। तो उसके बाद उसने जो भी मानव था उसने यह कार्य प्रारंभ कर दिया। अब संक्षेप में इसकी बात करें तो यह कहा जा सकता है कि जिस काल में यातायात संदेशवाहन के साधनों आदि का अभाव था उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। यानी अगर हम संक्षेप में अगर हम बात करें तो जिस समय संदेशवाहन के साधनों का अभाव था, यातायात का अभाव था, ठीक है, तो उस अभाव के कारण क्या था, उस समय की मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या थी, सीमित थी। उस समय जब जिस समय में ये हमारा अभाव था तो किसका अभाव था, यातायात का और संदेशवाहन के साधनों का, तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं भी होती थी वह सीमित होती थी और वह लगभग आत्मनिर्भर ही था। तो जिसके कारण क्या है, आवश्यकताएं सीमित होती थी और वह अपने आप पे आत्मनिर्भर होता था। ठीक है, वह आत्मनिर्भर था, वह जो कुछ उत्पादन करता था वही उपभोग करता था। उसकी क्या है, वह आत्मनिर्भर था, जो वह उत्पादन करता था उसका स्वयं ही वह उपभोग करता था। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप उसके बाद देखें अगर हम तो धीरे धीरे ज्ञान एवं विज्ञान, ठीक है, धीरे धीरे ज्ञान एवं विज्ञान की प्रगति के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या है, बढ़ने लगी। जब जैसे जैसे विज्ञान और ज्ञान में वृद्धि हुई, जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति किया तो उसकी आवश्यकताएं भी क्या है, उसकी आवश्यकताएं भी देखा गया कि धीरे धीरे क्या है कि बढ़ने लगा। ठीक है, आवश्यकताएं भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, अब इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने उत्पादन में वृद्धि तथा विशिष्टीकरण को जन्म दिया। जब आवश्यकताएं बढ़ी तो फिर से उत्पादन में वृद्धि तथा विशिष्टीकरण, ये दो चीज एक फिर से जन्म ले लिए, उत्पादन, एक तो उत्पादन में वृद्धि और दूसरा विशिष्टीकरण। इस युग में वस्तु विनिमय आरंभ हुआ और मनुष्य की आत्मनिर्भरता अधिकाधिक बढ़ने लगी। ठीक है, तो जब मानव आगे गया तो उस कंडीशन में क्या आवश्यकताएं उनकी बढ़ने लगी, उत्पादन में वृद्धि और विशिष्टीकरण का जन्म हुआ और वस्तु विनिमय भी आरंभ हुआ, जिससे क्या हुआ कि मनुष्य की आत्मनिर्भरता अधिकाधिक बढ़ने लगी। ठीक है, संसार में आवश्यकता और विज्ञान ने नवीन औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया एवं नए नए प्रयोग किए जाने लगे, जिसके कारण क्या है, उत्पादन के संगठन का कार्य अत्यधिक जटिल हो गया। गृह उद्योग प्रणाली के स्थान पर कारखाना प्रणाली पनपुठी, मशीनों का बोलबाला होने लगा, बड़ी मात्रा में उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, व्यवसायिक संस्थाओं का स्वरूप भी बदल गया, एकांकी व्यापार के स्थान पर साझेदारी व्यापार, साझेदारी के स्थान पर आधुनिक साधनों के परिपूर्ण कंपनियों का निर्माण होने लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारी जब आगे औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति को जन्म दे दिया गया तो नए नए प्रयोग भी होने लगे और उत्पादन संगठन ये सब काम अत्यधिक जटिल हो गया। ठीक है, और जितने भी गृह उद्योग प्रणाली के अपनाई जाती थी उस गृह उद्योग प्रणाली के स्थान पे कारखाना प्रणाली पनप उठी। ठीक है, गृह उद्योग प्रणाली के स्थान पे कारखाना प्रणाली पनप उठी, मशीनों का बोलबाला होने लगा, बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया,
जब बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया तो व्यापारिक संस्थाओं का स्वरूप भी क्या हो गया, व्यापारिक संस्थाओं का स्वरूप भी उसके साथ ही बदल गया। एकांकी व्यापार उस समय होता था, तो एकांकी व्यापार के स्थान पे साझेदारी व्यवसाय आ गया, साझेदारी व्यवसाय शुरू हो गया। साझेदारी व्यवसाय के स्थान पे आधुनिक साधनों के परिपूर्ण क्या हो गया कि कंपनियां आ गई, कंपनियों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा व्यवसाय का स्वरूप भी धीरे धीरे बदल गया, एकांकी व्यापार से साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय से हमारा कंपनियों का भी निर्माण होने लगा। चूंकि उत्पादित वस्तुओं की एक ही बाजार में खपत होना कठिन था, अतः बाजारों का विस्तार किया गया, जिससे व्यवसाय का क्षेत्र राष्ट्रीय बाजार तक ही सीमित न रह करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रूप धारण करने लगा। अब जो भी उत्पादित होता था वस्तु, उस वस्तुओं का क्या है, खपत जो है वह अगर हम देखें तो वह बाजारों जो भी खपत था वह राष्ट्रीय स्तर पे तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि उत्पादन ज्यादा होने लगा और राष्ट्रीय स्तर पे खपत नहीं हो सका। इसके लिए क्या हो गया कि उसकी सीमित न रह करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी क्या हो गया, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक स्वरूप धारण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी पकड़ लिए। उसके बाद क्षेत्र जो है, क्षेत्र विस्तार ने अंतर्देशीय प्रतियोगिता को जन्म दिया। उत्पादक अपने माल के प्रचलन तथा खपत के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। विज्ञापन कला तथा विक्रय कला को प्रोत्साहन मिला। उद्योग धंधों में प्रबंध की वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाने लगी। ठीक है, यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का तीव्र गति से विकास होने लगा। विशाल बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना तथा संयोग के निर्माण आदि ने तो व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप ही बदल दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ क्या हुआ, प्रबंधकीय प्रणाली अपनाई जाने लगी, संदेश वाहन, यातायात के साधनों, इन सब चीजों का क्या, काफी तीव्र गति से विकास होने लगा। ठीक है, तीव्र गति से विकास होने लगा। विशाल, ठीक है, उसके बाद विशाल बैंक, बीमा कंपनियां, इन सबों की भी स्थापना होने लगी तथा इसके संयोग के निर्माण से क्या हुआ, आदि ने व्यावसायिक संगठन, इन सबों के सभी चीजें इतनी तेजी से विकसित हुई कि अगर देखा जाए इनके फल स्वरूप क्या हुआ कि जो व्यावसायिक संगठन था इसका स्वरूप ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल गया। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में आज के इस टॉपिक को इसी के साथ समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।